फ्रेंड्स मैंने 11_A.61 का ऑफिशियली वेट किया, मैंने जो है ओटीपी अपडेट का वेट किया, सो फाइनली ओटीपी अपडेट जो है रियलमी C1 एंड 2 के लिए रोल आउट होना शुरू हो चुका है। देन मुझे लगा कि जो ये अपडेट होगा वो 1 वीक से ज्यादा टाइम लग जाएगा आने के लिए, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। मैंने जो गेसिंग की थी कि जो ये अपडेट होगा वो 2 से 3 दिनों में जो है सभी को मिल जाएगा, क्योंकि अदर्स डिवाइसेस अभी भी बाकी है, जैसे कि रियलमी 3i और रियलमी U1 एंड जो भी बचे हुए फोन है वो जो है अभी भी बाकी है भाई, तो उन्हें भी जो है अपडेट देना है। इसलिए जो है मुझे लगा कि जो ये अपडेट होगा वो जो है जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा, तो वैसा ही हुआ गाइस, अपडेट जो है जल्द ही मिल गया। सो मैंने फाइनली जो है अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल करके रख लिया है। देन अपडेट को यूज करते हुए जो है मुझे 2 से 3 घंटा अभी हो चुका है, क्योंकि जब से मैं वीडियो बना रहा हूं भाई तब से जो है मैं अपने फोन को यूज कर रहा हूं, तो घुमा फिरा के जो है 2 से 2.5 घंटा जो है अभी तक हो। आप इसका रैम मैनेजमेंट देखोगे तो भाई 2 GB में से जो है आपको 500 या फिर 600 MB तक का जो है खाली देखने को मिल जाएगा। अगर आप पबजी वगैरह खेलते होगे तो जो है कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे फोन में जो है मतलब मैं नॉर्मल अपने फोन को यूज करता हूं, तो मेरे इसमें जो है रैम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा दिया गया है, मतलब बहुत ही अच्छा दिया गया है भाई। पहले जो है 350 या फिर 400 MB तक जो है चला जाता था, लेकिन इस अपडेट में जो है फिलहाल मुझे 550 और 600 का जो है MB का रैम क्लीन मिल रहा है, तो फिलहाल नया अपडेट किया है तो हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है मैं आपको बता दूंगा कि इसका रैम मैनेजमेंट भी कैसा मुझे जो है 5-6 दिन के बाद देखने को मिला। बाद अगर आप इसकी कैमरा क्वालिटी देखोगे तो भाई कैमरा क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। अगर एज कम्पेयर टू अगर आप A.60 की देखोगे, मेरे पास कुछ पिक्स है A.60 के टाइम पे जो है मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें जो है मैंने टेस्ट किया था कैमरा का, तो उसका जो पीक है वो मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखा रहा था और इस वीडियो में भी दिखा रहा हूं, तो ये जो है A.60 का पीक है। देन अगर आप देखोगे तो ये जो है A.61 का पीक है जो मैंने अभी जस्ट निकाला है भाई, तो इसमें जो है मैंने कोई भी बूके इफेक्ट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी जो फोटो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर की गई है। फ्रेंड्स पूरा अपडेट मुझे 218 MB का मिला, आप लोगों को भी यही सेम साइज मिला होगा, और जो 3 एंड 3i होंगे और जो U1 होंगे इनके लिए जो है साइज अलग हो सकता है, लेकिन चेंज लोग जो है आपको घुमा फिरा के यही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है मैं आपको इस अपडेट की कमाल की चीज बताता हूँ भाई, तो देख लो यार नोटिफिकेशन, प्यारा दुलारा सबका चहिता नोटिफिकेशन जो है आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाता है। तो भाई जो नोटिफिकेशन पैनल है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई, क्योंकि पूरा स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील मिलता है आपको इसमें, जो टॉगल्स है उन्हें छोटा कर दिया गया है, तो भाई मतलब क्या कहना यार इस नोटिफिकेशन पैनल का, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना भाई से देख के कि बोलो मत। सो फ्रेंड्स आते हैं हम हमारे इस अपडेट के चेंज लॉग के ऊपर, तो भाई चेंज लॉग के अगेंस्ट क्या बताना, चेंज लॉग में तो बहुत सी चीजें दी गई है, बहुत सा मसाला भरा पड़ा है भाई, और इस मसाले के अगेंस्ट आपको पहले बहुत ज्यादा डिटेल्स मिल गई होगी भाई, क्योंकि पहले अपडेट मिल गया था तो बहुत सी वीडियोज बन चुकी थी, तो फिर से जो है बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग भी बोर हो जाओगे, लेकिन जो है मैं आपको फटाफट बताऊंगा बिल्कुल बोर किए। तो आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है 5 अक्टूबर 2019 का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देन उसके बाद जो आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो, अगर आपके पास रियलमी 2 होगा तो उसके पीछे जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, इससे जो है आप अपने ऐप को हाइड कर पाओगे। देन उसके बाद जो है आपके फोन में मैनुअल लॉक भी दिया गया है, तो मैनुअल लॉक के लिए जो है आपको पावर ऑफ बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको रिबूट के ऊपर जो है एक सिक्योर लॉक मिलेगा जिससे अगर आप टैप करते हो तो आपका फोन जो है सिक्योर हो जाएगा बिना किसी पैटर्न या फिर बिना किसी पिन के, जो है ये खुलेगा नहीं अगर आप इसको अपने फेस से अनलॉक करने की कोशिश करोगे, तो भाई ये बिल्कुल भी जो है रिसीव नहीं करेगा, बिल्कुल भी अनलॉक नहीं होगा, इसके लिए जो है आपको पैटर्न ही देना पड़ेगा तब जाके जो है आपका फोन ऑन होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है भाई, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। कस्टमाइजेबल डाटा कंज्यूम रिमेम्बर, तो आप जो है अपने डाटा के अगेंस्ट थोड़े बहुत एक्शंस ले पाओ। उसके बाद जो है आपको नया फीचर मिलता है इसमें, वो है एडेड गूगल डिजिटल वॉल्बिंग, तो भाई गूगल डिजिटल वॉल्बिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है अगर आप जाते हो अपने सेटिंग में। देन उसके बाद जो है आपको सेपरेटली एक फंक्शन मिलता है आपके सेटिंग में डिजिटल वॉल्बिंग का, देन उसको अगर आप टैप करते हो तो आपको जो है जो स्टॉक एंड्रॉइड एंड्रॉइड 10 में आपको मिलता है वही सेम जो है आपको यहाँ पे आपके फोन में देखने को मिल जाए। इसमें जो है आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें आप स्टेप बाय स्टेप देख लो और यूज भी आप कर सकते। देन उसके बाद जो है आपका जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक विजिट था उसे जो है अपडेट कर दिया गया है, उसे जो है थोड़ा सा बोल्ड बना दिया गया है भाई, मतलब थोड़ा सा और जो है उसकी जो चौड़ाई है
वो बढ़ा दी गई है। पहला जो है पतला हुआ करता था, लेकिन अभी जो है आपको A.61 में जो लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक मिलता है उसे जो है थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद जो है एडेड डाटा एंड वेदर विजिट, तो आपको जो है अपने विजिट ऐप में एडेड डाटा एंड वेदर का ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसे न्यू एड किया गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो ऑप्टिमाइज स्मार्ट असिस्टेंट इंटरफेस, तो अगर आप अपने फोन का न्यू वाला इंटरफेस देखोगे तो उसे में जो है थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जो बहुत ही अच्छे है। आप भी जो है एक बार देख लो कि आपके फोन में वो चेंज हुआ है या फिर नहीं। एंड फ्रेंड्स, आपको इस अपडेट में बैटरी के अगेंस्ट भी बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल जाएगा भाई। बैटरी का जो इंटरफेस है उसे पूरा चेंज कर दिया गया है, उसे जो है पूरा चेंज कर दिया गया है भाई। आपको जो है उसमें यूजेस, स्क्रीन ऑन टाइम एंड अवेलेबिलिटी की सब कुछ डिटेल जो है आपको इस इंटरफेस में देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद जो है स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, तो भाई ये वाला क्या था, तो ये वाला एक बग था, इससे मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होता था, लेकिन फाइनली जो है इसे फिक्स कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके होम पेज पे आता था तो उसे जो है आप क्लोज नहीं कर पाते थे, लेकिन आप जो है अब उसे राइट या फिर लेफ्ट की तरफ स्वाइप अप करके क्लोज कर पाओगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। देन उसके बाद जो है नोटिफिकेशन सेंटर को रिडिजाइन किया गया, इसके अगेंस्ट मैंने बता दिया है। तो कुछ फिक्सेस किए गए, तो भाई सबसे पहला जो फिक्स किया गया है वो यूएसबी के अगेंस्ट किया गया है। अगर आप यूएसबी का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा कि यूएसबी में जो है कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उसे फिक्स कर दिया गया है। मुझे तो नहीं आ रहा था कोई भी प्रॉब्लम, और वैसे भी मैं यूएसबी को यूज नहीं करता हूं। अगर आप यूज करते होगे तो भाई आप टेंशन मत लो, आपका जो यूएसबी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। देन उसके बाद जो भाई वाईफाई का, तो वाईफाई के अगेंस्ट मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था भाई, ज्यादातर शेयरइट में प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब जब भी मैं शेयरइट से देवान घेवान करता था, जब भी मैं फाइल को जो है रिसीव एंड जब सेंड करता था, तब का जो कनेक्शन है वो अपने आप जो है गाइस क्लोज हो जाता था, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता था किसी बिना वजह के भाई, कुछ भी नहीं करता था। सिंपल मैं जो है अपने फोन को रख देता था, लेकिन फिर भी जो है कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो शायद वही वाला जो है बग इसमें फिक्स किया गया है, ऐसा जो है मुझे लग रहा है। देन उसके बाद जो है फिक्स सम एप्लीकेशन क्रैश इशू, तो भाई कुछ ऐप जो है अपने आप क्रैश हुआ करते थे A.60 में, उसे जो है बाइस फिक्स कर दिया गया। अब जो है आपको 61 में कोई भी आपका जो ऐप है वो क्रैश नहीं होगा, लगता तो नहीं है गाइस मुझे ऐसा होगा, क्योंकि अभी भी जो है भाई 2-3 दिन होने के, फिलहाल नया नया अपडेट है इसलिए जो है चमक रहा है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जो इसकी सच्चाई है वो हमें पता चल ही जाएंगी। देन इसके बाद जो है फिक्स सम द सिस्टम स्टॉक इशू, तो भाई अब जो है इसमें सिस्टम स्टॉक के अगेंस्ट भी जो है थोड़े बहुत इश्यूज को फिक्स किया गया है। तो भाई यही था पूरा चेंज लॉग जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ओवरऑल अपडेट को यूज करते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं भाई, बहुत मजा आया इस अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल करते समय और ये वीडियो भी बनाते समय, क्योंकि बहुत टाइम से जो है भाई इस अपडेट का वेट कर रहे थे। फाइनली अपडेट आ गया, इंस्टॉल भी कर लिया, जो कुछ भी मेरे से हुआ मैंने जो है आपको इस अपडेट के अगेंस्ट सब कुछ बता दिया गाइस। अब आपका काम बनता है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अपडेट को अपने फोन में बिना किसी टेंशन के इंस्टॉल कर लो भाई। अगर आपने मैन्युअली कर लिया है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपने मैन्युअली नहीं किया है तो OTP अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल कर लो आराम से, बस अपडेट कर लो। और जो उनको अपडेट नहीं मिला है उनको जो है भाई जल्द ही मिलेगा, क्योंकि इन्हें अगर अभी जल्दी मिला है तो आप लोगों को भी जो है जल्दी ही मिलेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर।